समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 10वीं की छात्रा के साथ कुछ युवकों ने शुक्रवार की रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही विभूतिपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए कुल 4 युवक को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए युवकों में से एक किशोरी का कथित प्रेमी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार के दिन किशोरी बैंक जाने के बाद का घर से निकली थी। रात में वो गांव के ही कथित प्रेमी के साथ रोसा से घर लौट रही थी। सिंगिया घाट पुल के पास सुनसान स्थान पर घात लगाए युवकों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद बारी बारी से सभी आरोपी ने दुष्कर्म किया। घटना महिला थाने में दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित किया गया। रविवार के दिन रोसरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शहरियार अख्तर ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। 5 आरोपी में 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना अंतर्गत दिनांक 17/9/21 को देर रात्रि में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, लेकिन पीड़िता जो है सुबह विभूतिपुर थाने पहुंची। उसे त्वरित जो है मेडिकल के लिए समस्तीपुर महिला थाना भेजा गया और महिला थाना में कांड संख्या 77/2021 दिनांक 18/9/21 को कांड दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें विभूतिपुर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष राजीव लाल पंडित, कुवनी नवीन कुमार, कुवनी सकलदीप प्रसाद, सहनी दिनेश सिंह और इस कांड के अनुसंधानकर्ता सहनी वशिष्ठ कुमार के द्वारा 19 तारीख के मध्यरात्रि से लेकर सुबह तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मनीष कुमार जो कोदरिया का रहने वाला है, दूसरा है दिलीप ठाकुर जो सिंगिया बुजुर्ग दक्षिण का रहने वाला है, राम ललित सिंह जो पंचवटी चौक सिंगिया घाट का रहने वाला है, और पप्पू कुमार जो शिवनाथपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एकमात्र अभियुक्त कैलाश महतो जो पूर्व के कई कांडों में भी आरोपित रहा है, वो घटना के बाद से फरार है, उसके लिए भी छापेमारी चल रही है। फिर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें इस 4 पर सर पहले भी कोई आरोप है क्या? नहीं, पहले तो कोई नहीं है, लेकिन वो कैलाश महतो जो फरार है वो 3 कांडों में आरोप पत्रित रहा विभूतिपुर थाने से। मैं इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि नाबालिग लड़की रात भर घर से गायब है, उनके परिवार वालों ने खुद नहीं ली कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से गायब है, कहाँ है, इसके बारे में कोई सूचना न थाने को है। इसके अलावा उसके साथ में एक मनीष कुमार था जो घुमाने के लिए विश्वकर्मा पूजा के बहाने वो लेके आया था रोसड़ा में, और उसी लौटने के क्रम में दिलीप ठाकुर और कैलाश महतो ने पकड़ लिया, और दिलीप ठाकुर ने फिर फ़ोन करके रामललित और पप्पू को बुलाया और उसके बाद ये घटना हुई। तो मनीष कुमार के भी पिता ने कोई सुध नहीं ली कि उनका पुत्र जो है रात भर गायब है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें गार्जियन की लापरवाही भी दिखने में आ रही है, मतलब अपने बच्चों के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, किसी तरह की कोई बात जो है।